आज जैसे देखा जा रहा है कि महिला शक्ति, महिला हर जगह नजर आती है, हर फिल्म में नजर आती है, क्योंकि महिला आज भारत की बहुत बड़ी महान और एक शक्ति बन चुकी है। तो आज यहाँ पे जिस तरह से बहुत सारे लोग मौजूद है, लेकिन वहाँ पे एक महिला का नाम आ रहा है कि इस संस्था को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो आपको ये वर्क करने में आपको कितनी कोई प्रॉब्लम भी बहुत सारे फेस करने पड़ते होंगे, तो कभी आपने हार नहीं मानी? जी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, अभी घर की प्रॉब्लम्स के आगे ये सब प्रॉब्लम लगती नहीं, घर के को संभाल लिया, बहुत संभाल लिया। कुछ करना है औरतों के लिए, आगे निकले हैं हम लोग, और ये अकेले से सक्षम तो नहीं था, लोगों का सपोर्ट मिला है, सर का सपोर्ट मिला है, आप लोगों का भी सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक कर पाए हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं, लेकिन हमारे लोकेलिटी में जो नगर सेवक हैं पप्पू जी और बाकी बहनें हैं, सबका सपोर्ट मिलते आया है, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया यहाँ तक आना और काम करना। तो किस तरह की ज़्यादा समस्याएं किस तरह की देखने को मिलती है? रियली ज़्यादातर यहाँ पर लोगों को यही है कि एक ऐसे पिक, तो हमारे कॉपरेटर बहुत अच्छे हैं कि इतनी बड़ी समस्याएं हम तक आने नहीं दी उन्होंने, लेकिन जो भी आई है तो फिर बहुत कम ऐसे देखने को तो नहीं मिला है। काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ की जो संस्था वगैरह हैं, जो भी हमारे नगर सेवक हैं, कॉपरेट करते हैं हम लोग से, ऐसे बिग प्रॉब्लम्स तो आई नहीं है, लेकिन आई है तो हमारे जीतू सर हैं, उन्होंने अच्छे से हमको सोल्यूशन दिया, मार्गदर्शन किया है, इसके वजह से हमको लगा। तो ये मानव विकास संस्था कितने समय से काम कर रही है और इसकी ऑफिस और कहाँ कहाँ पे, जैसे बताया जा रहा है कि आज पांचवें ऑफिस से पहले कहाँ कहाँ ऑफिस और किस तरह से काम? जी हमारी नाला सोपारा में ऑफिस है, मराड़ वेस्ट में है और पालघर में है, थाना में है, ये हमने कांदीवली में आज ओपन किया है। लोगों के जनकल्याण के लिए सोचा है, थोड़ा जो मानव परिचय जो हम लोगों ने रखा, लोगों को अपनी अधिकार पता नहीं है, इसलिए हमारे एडवोकेट कमलेश यादव जी आए और यहाँ की बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और उन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया है यहाँ तक लाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी आज।